नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपको पल्सेस एंड लिग्यूम्स यानी दालें और दलहने और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, जो कि है दही बड़े। और दही बड़े में दो तरह की दालें हैं, और दूध से जो दही बना हुआ है, दही हमने इसमें यूज किया है। तो हम दही बड़े बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। दही बड़े के लिए 2 कटोरी हमने उड़द की दाल ली है और एक मूंग की दाल, और हम एक बाउल में इसको डाल के और बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार धो लेंगे। और फिर हम इसको 5 या 6 गुना पानी भर के और 6-7 घंटे के लिए भिगो देंगे। दही बड़ा बनाने के लिए हमने उड़द की दाल और मूंग की दाल को धो दिया और हमने कंटेनर में भिगो दिया। 5-6 घंटे बाद में भीगने के बाद हम इसको पीस लेंगे यानी ग्राइंड कर। दही बड़े के लिए उड़द और मूंग की दाल को हमने 6-7 घंटे भिगो दिया और अब हम इसको मिक्सी में डाल के और पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें 3-4 हरी मिर्च और थोड़ा अदरक का टुकड़ा भी हम डालेंगे और फिर बाकी दाल हम इसके ऊपर डाल के और बहुत कम पानी डाल के और पीस लेंगे। अब हम मिक्सी में इसको दाल को पीस लेंगे, दही बड़े की दाल को। मूंग दाल और उड़द दाल हमने पीस ली है और अब हम इसको कंटेनर में निकाल लेंगे और दही बड़े का घोल तैयार करेंगे। दही बड़े के घोल में हम हमारे स्वादा अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें या तो गरम मसाला, मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा हम काली मिर्च डालेंगे और 1/4 चम्मच हम हींग डालेंगे और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और वड़े तलेंगे। ये घोल बहुत अच्छे से हमने फेंट लिया है दही बड़े का। अब हम इसको टेस्ट करने के लिए पानी में इस तरह से डाल के देखेंगे। अगर ये ऊपर तैर रहा है तो ये ऊपर ही तैर रहा है, तो अब तेल जो है वो गर्म हो गया है। हम इसमें दही बड़े गोल गोल करके डाल देंगे। दो तीन मिनट हो चुके हैं और 2-3 मिनट में ये अच्छे पक गए हैं, लेकिन सुनहरा होने तक हम इसको पकाएंगे और मीडियम आंच पर ही हमको इनको तलते रहना है। जैसे ही ये सब ऊपर की तरफ तैरेंगे और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इनको निकाल देंगे। अभी मैंने फ्लेम तेज कर रखी है जिससे कि इनमें तेल ना भरे और अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इनको निकाल लेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे जिससे कि ये निकले जब तक तेल बहुत ज्यादा गर्म ना हो, सेकेंड खान जब हम डालेंगे। इनको हम डायरेक्ट ही ठंडे पानी में डाल देंगे जिससे कि हमको गर्म पानी में ना डालना पड़े और ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएंगे। 10 मिनट में हम इनको दही बड़े के लिए निकाल लेंगे। अब हम इनको आधा घंटा हो गया, आधा घंटे बाद में निचोड़ के और निकाल लेंगे। ज्यादा देर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे। अब हम इन पर दही डालेंगे। दही को बहुत अच्छी तरह से हमने मथ रखा है और 1 चम्मच इसमें हमने शुगर भी डाली है, और अगर शुगर ना डालें तो भी कोई बात नहीं है। हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा लाल मिर्च और जीरा भुना हुआ, हरी चटनी जो कि धनिया और पुदीना से मीठी चटनी बनी हुई है वो हम इसमें डालेंगे, और मीठी चटनी जो इमली और गुड़ से जो बनती है
वो हम इसमें डालेंगे। इसके बाद में हम किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, और अगर हम अनार डालते हैं तो अनार का टेस्ट इसमें अच्छा आता है। इस तरह से ये दही बड़े कंप्लीट होते हैं। इस तरह से ये हमारे दही बड़े कंप्लीट हुए, और आप देख सकते हैं कि ये कितने अंदर से सॉफ्ट हैं और बहुत ही इजीली टूट रहे हैं, और इतनी इसमें जाली पड़ी हुई है।